हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल अवनाथ मैथ्स एकेडमी। तो अब इस वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास टेंथ एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए 2022-23 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। किसके लिए बच्चों? बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आपके जो हाफ ईयरली होंगे ना, और आपके जो हाफ ईयरली होंगे उनके लिए भी मैं आपको हाफ ईयरली के लिए भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी के। ठीक है, हिंदी के। तो सबसे पहला जो वीडियो है वो हम देखेंगे क्षितिज भाग टू, आपकी जो बुक है जिसमें काव्य खंड के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ब्लूप्रिंट देख लीजिए, ब्लूप्रिंट कैसा है। इस क्षितिज भाग टू में से टोटल 17 नंबर का आने वाला है। ठीक है, मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बताऊंगा सब कुछ। जो भी आपका बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट है उसके हिसाब से ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही बताया जाएगा। इसमें से 6 ओटी आने वाली हैं, 6 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे बच्चों। मतलब एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स कुछ भी आ सकता है। 6 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, दो दो नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा इस पूरे 36 भाग टू में से। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक करके देखते आएंगे। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा हिंदी पद साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। इस टॉपिक में से 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, इसलिए आप देखते जाइए। चलिए तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला है आपका, देखो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें से लगभग पूरा पेपर आएगा बच्चों। आप एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछते हो, सर कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ी सी रिस्क रहती है, मोस्टली पेपर यहीं से भी आएगा। अगर आपको 100 में से 90 प्लस नंबर लेके आने हैं, यानी कि 85 प्लस नंबर लेके आने हैं, तो इसके अलावा भी आप बुक की रीडिंग कर लेना। अगर आपको 100 में से 75 प्लस नंबर, सॉरी 85 प्लस नंबर लेके आने हैं, तो इसके अलावा भी आपको रीडिंग करनी होगी। ठीक है, वैसे ज़्यादातर चांसेस ये हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ उसमें से पूरा का पूरा पेपर आ ही जाएगा, 90% आराम से आ जाएगा। यानी कि 75 मार्क्स का जो आपको पेपर होगा उसमें से 70 या 65 से ऊपर तो आ ही जाएगा, आराम से आ जाएगा पक्का। ठीक है, गारंटी है बिल्कुल इसकी। तो देखते जाइए बच्चों, सबसे पहला है रीति काल को संगल काल का क्यों कहा जाता है। रीति काल के कवियों के नाम एवं उनकी एक एक रचना लिखनी है, यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रीति काल की विशेषताएं लिखनी है आपको और कवियों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो 3 विशेषताएं, 1, 2, 3। इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे, चार प्रगतिवादी कवि और उनकी एक एक रचना का नाम, ये नागार्जुन, युगधारा, केदारनाथ अग्रवाल, युक्की गंगा, शिव मंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, त्रिलोचन धर। ठीक है ना, अब आगे बढ़े। अब आता है प्रगतिवाद की 2 मुख्य विशेषता लिखनी है आपको, 2 ही कर लेना, 2 नंबर में आएंगी। ठीक है, ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। अगला है प्रयोगवादी काव्य किसे कहते हैं, इसकी 4 विशेषता लिखिए, मतलब विशेषता इंपोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। आप विशेषता तो सबकी कर ही लेना अच्छे से, ठीक है ना, विशेषता है तो ज़्यादातर पूछी भी जाती है। इसके बाद आगे बढ़े तो अब आता है 4 प्रयोगवादी कवियों की रचना, कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना का नाम लिखना है आपको। ठीक है, तो ये कर लेना। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं संक्षेप में लिखिए, ये भी आपको करना ही है। ठीक है, आगे बढ़े, ये दोनों इंपॉर्टेंट, जब रेड लगे हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद भक्ति काल की 4 विशेषताएं या 2 विशेषताएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं उनकी रचना, ये भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ें, अब आता है आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है, तो ये आपको करना है, ये भी इम्पोर्टेंट जैसा ही है। इसके बाद आता है अपना पद
महत्वपूर्ण पद्यांश के भावार्थ काव्य खंड से आता है, भावार्थ आएगा, संदर्भ से व्याख्या करनी होगी आपको। इसमें से आएगा बच्चों 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है आपको उदो तुम अति बड़भागी, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपको करना है, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे इसके। इसके बाद बात करें हम, इसका आंसर लिखा हुआ है नीचे, ठीक है, ये आप कर सकते हो, पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए जिससे कि आपको मिल सके। इसके बाद ये अगला वाला ये है हमारे हरी हारिल की लकड़ी, ये वाला जो है ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट केहूँ लकेन मनुशील हो तुम्हारा, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों है, आप इसकी सॉल्व ले लीजिए एक ही करके, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अब आता है बिहनी बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ये वाला आपको करना है, ठीक है, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है। आगे आता छोटे से जीवन की कैसे बड़ी अखाता है, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लेना आप अच्छे से। इसके बाद बिकल बिकल उन्नते अनु, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं बच्चों। तुम्हारी ये दंदुरता मुस्कान, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको करना ही करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब करना क्या है आपको, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, ये बच्चों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप मोस्ट इम्पोर्टेंट करने के बाद इसको कर सकते हैं। इसके बाद ये वाला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक्स्ट्रा में ये इसका भावार्थ है और सब कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो यहीं से याद भी कर सकते हो। अब आते हैं काव्यखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर, जिसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको जो ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ वो सही ब्लूप्रिंट बता रहा हूँ, बाकी चैनल की तरह नहीं बता रहा, कुछ भी ब्लूप्रिंट बता रहे हैं। आपके पास ब्लूप्रिंट है वहाँ से डाउनलोड कर लो अच्छे से, नेट पे से एमपी की साइट पे, वहाँ से आप इसको मैच करा सकते हो, ठीक है ना। और ध्यान रखना बच्चों, जो कुछ चैनल वाले बता रहे हैं कि 20 MCQ आएंगे, 20 नहीं आएंगे बच्चों, 30 MCQ आएंगे, 30 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, कुछ चैनल वाले 20 बता रहे हैं, वो गलत बता रहे हैं, ठीक है ना। उनको खुद नहीं पता है कि हिंदी में क्या है, कैसे बता रहे हैं, और कुछ भी चैप्टर बता रहे हैं आपको, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ लेकिन ब्लूप्रिंट के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो अगला पहला प्रश्न आता है आपका, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है, ठीक है, जिस पे रेड डॉट लगा है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है गोपियों को कृष्ण में कैसे ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण भी अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है ये दोनों, ठीक है। हाँ, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज परशुराम के क्रोध को, ये वाला बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत चांसेस इसके आने के, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट इज राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट अवधी भाषा आज किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं पर इम्पोर्टेंट है, आने के चांसेस हो सकते हैं इसके। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है, ये बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिन पर रेड मार्क लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है मतलब। इसके बाद उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांद रातों, ये भी बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये दोनों, ये आप कर लेना, जिनको रिस्क नहीं लेनी वो सब कर लेना, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं इम्पोर्टेंट वो सब कर लेना आप, ठीक है ना। इसके बाद ये दोनों कर लेना, कवि की आँख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों उठ रही है, फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको। संगत के माध्यम से कवि किस प्रकार से, ये रिस्क नहीं लेनी है तो उनको कर लेना, पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना, इसके बाद इसको करना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कवि परिचय, तो कवि परिचय 2 नंबर का पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा, एक परिचय पूछा जाएगा आपसे, एक अथवा में आएगा एक पूछा जाएगा, तो आपको सिर्फ कवि परिचय करने हैं आपको, सूरदास का, तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद का और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, ठीक है। 2 नंबर लाग मैंने आपको आंसर दिए गए हैं, हो सकता है किसी जगह बड़ा लिखा हो तो आप इसको कर लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसा पूछा जा सकता है वो। तो सूरदास का है, तुलसीदास का है
और जयशंकर प्रसाद का करना है और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का करना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और इसके बाद सूरदास का, ठीक है, ये आप कर सकते हो। ओके बच्चों, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी का जो मैटर है वो आपको मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो चार पांच वीडियो में आएंगे, जितना मैं आपको देता जाऊं उतना पहले कवर करते जाइए, उसके बाद कीजिए, ठीक है ना। आप इकट्ठे इंपॉर्टेंट वीडियो करोगे क्या, पहले आप जितना मैटर दिया है उसको अपना अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जनवरी एंड तक मैं आपको सभी क्लास के 10th 12th के सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक है।